सतना चित्रकूट मार्ग अब हाईवे में तब्दील होने के साथ हादसों का मार्ग भी बनता जा रहा है। बता दें कि रोड के बनने व चौड़ीकरण के बाद से इस मार्ग में हाई स्पीड बड़े वाहन रोजाना छोटे वाहन या मोटरसाइकिल वाहनों के सवारों को अकाल मौत के गाल में प्रवेश करा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला शुक्रवार को देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह नौगवा निवासी दंपत्ति को भी शायद यह खबर नहीं थी कि वह हादसों वाली सड़क में आखिरी सफर जो कर रहे हैं। नतीजा, जैसे ही यह पति पत्नी मझगवा के करीब ग्रीन वैली होटल और तजव चेकपोस्ट के करीब पहुंचे, तभी चित्रकूट तरफ से आ रही स्कॉर्पियो वाहन ने सामने से आकर टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही बाइक सवार पति पूरन द्विवेदी की मौत हो गई, तो वहीं पत्नी कुसुम देवी को सर में गंभीर चोट के चलते सतना रेफर करना पड़ा, जिनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं स्कॉर्पियो सवार अज्ञात चार लोग घटना के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सभी बाइक सवार नशे में थे, जो कि हादसे के बाद चंपत हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची मझगवा थाना पुलिस ने शव कस्टडी में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। और मामी जी हैं, ये ग्रीन वैली होटल है जो चेक पोस्ट के पास मझगवा, यहाँ पे स्कॉर्पियो और बाइक से जो घटना हुई है, तो स्कॉर्पियो वाला रॉन्ग साइड में आके और एक्सीडेंट किया है, ये घटना हुई है। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है तो पूरन प्रसाद द्विवेदी जी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं, और जो हमारी मामी जी हैं उनकी पत्नी, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और आगे की जानकारी अभी जो होगी तो बताया जाएगा। नौगवा का एक दंपति जिनका नाम है पुराण प्रसाद द्विवेदी और उनकी मिसेस कुसुम, ये दोनों मझगवा आ रहे थे और एक चित्रकूट तरफ से स्कॉर्पियो जा रही थी। इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है आरटीओ चेक पोस्ट के पास में। एक्सीडेंट में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, पुरुष जो अपना पुराण द्विवेदी है ये खत्म हो चुके हैं। मर्ग जांच में लिया गया है, मर्ग कायम है, जाँच जारी है।